तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसा मैंने मकी दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं। वे व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वो भली है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, मां बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीही यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीही यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं। मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीही अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्य द्वाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और तू विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें।